ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में भाजपा सरकार डेढ़ वर्ष से सोई हुई है, जिसको जगाने के लिए युवा कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भाजपा सरकार को जगाने के लिए हर मोर्चे पर खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल जन विरोधी फैसले लिए हैं, जिससे आम जनता परेशान है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार डेढ़ वर्ष से सोई हुई है, जिसको जगाने के लिए युवा कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया है। इस दौरान पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स को फांद कर पुलिस के जवानों के बीच जाकर जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार धारा 118 में संशोधन करके प्रदेश को बेचने पर तुली हुई है। पर्यटन निगम के 14 होटलों को सरकार लीज पर देने जा रही है, जिससे सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। विपक्ष के विधायकों पर झूठे केस बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम जयराम सरकार कर रही है, जिसे युवा कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी।